अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। मैं रहूँ रज़ा, आप देख रहे हैं अपना चैनल रहमान क्रिएशन। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में इस इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम टाइम ज़्यादा वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फोटोशॉप एक्सप्रेस को ऑन कर लीजिए। अब अपनी वो पिक्चर ले लीजिए जो आपने बनानी है, ठीक है। तो आप एंड पर आ जाएं, आप स्प्लैश इफेक्ट में आ जाएं। आप स्प्लैश में आपने आने के बाद आपने ओरेंज इफेक्ट लगा देना है, इसको कर देना है कम। कम करने के बाद दो लाइन पर आ जाएं, तो क्लैरिटी को कर दीजिए कम, शार्प को बढ़ा दीजिए, रिड्यूस लुमिनस को बढ़ा दिए, रिड्यूस कलर नॉइज को बढ़ा दिए, डेज को थोड़ा सा बढ़ाएं एंड एक्सपोजर को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। कंट्रास्ट को कर दीजिए कम, हाईलाइट को कर दीजिए कम, शेडो को बढ़ा दीजिए एंड वाइट को कर दीजिए कम एंड ब्लैक को कर दीजिए कम, ठीक है। करने के बाद खाली पिक्चर को कर दीजिए सेव। हम अपनी पिक्चर को सेव कर लीजिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये होगी हमारी पिक्चर सेव। पिक्चर सेव करने के बाद आप आ जाएं स्क्वायर क्विक को ऑन कर लीजिए। अब वो फोटो ले लीजिए जो आपने क्विक से बनाई, हमारी वो पिक्चर आ गई है। तो इस वाले ऑप्शन पर आ जाएं, आइकन पर आ जाएं। आने के बाद पिक्चर को कर लीजिए 4x5 साइज पर। इफेक्ट में आ जाएं, इफेक्ट में आने के बाद आप आगे आ जाएं, ठीक है। A3 वाला इफेक्ट लगाकर इसको कर दीजिए क्लिक पर। पिक्चर को कर लीजिए सेव। पिक्चर को सेव करने के बाद आप पिक्चर को टूल वाइज में ओपन कर लीजिए। पिक्चर को टूल वाइज में ओपन करने के बाद एंड पर आ जाएं, इनहेंस में HDR लगा दें। HDR लगाने के बाद क्लासिक वाला इफेक्ट लगाकर काम कर दीजिए, ठीक है। काम करने के बाद आप शार्पन लगा दीजिए। शार्पन आप इतना का बहुत है। वो इधर वेव फिल्टर वाला ऑप्शन पर आ जाए, आप वेव फिल्टर लगा दीजिए इस पर। आप ये हो गया हमारा वेव फिल्टर। तो इधर इस वाले आइकन पर आना है आपने, ऑटो पर। ऑटो पर आने के बाद आपने पहले वाला इफेक्ट लगा कर इसको कर देना है कम। तो इफेक्ट में आ जाएं, शॉर्ट स्मज पर आ जाएं, दो वाले आइकन पर आकर होंठों से और आई से रेज कर दें। रेज करने के बाद आप आ जाएं टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आप रीसाइज कर लीजिए पिक्चर को। रीसाइज कर लीजिए 2500 पर। 2500 पर करने के बाद लेयर पर आ जाएं, आप अपनी PNG को चूज़ कर लीजिए जो आपने PNG लगानी है। तो मैं आपको PNG लगाने का तरीका बताता हूँ, आपने किस तरह PNG लगानी है और आपकी पिक्चर किस तरह अच्छी लगनी चाहिए। ये हमारी PNG आ गई है। इधर इस वाली को कर दीजिए बड़ा। करने के बाद इधर आ जाएं, करने के बाद कर दीजिए ओवरले। ओवरले करने के बाद इस PNG को कर लीजिए बड़ा। बड़ा करने के बाद इधर कोने में लगा कर इसको कर दीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। अपने लोगों को ये साइज़ बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। करने के बाद इसको कर दीजिए ओवरले। करने के बाद क्लिक पर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए शेयर एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमारी फ़ोटो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब कर लीजिए पिक्चर को कर लीजिए सेव। सेव करने के बाद आप अपनी DP को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस की वबा बहुत फैली हुई है, आप घर पर ही रहें।